हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चौहान्स किचन रेसिपीज। आज हम बनाने जा रहे हैं दाल फ्राई, और ये दाल फ्राई हम चना दाल से बनाएंगे। देख लेते हैं इसके लिए मैंने क्या क्या लिया है। दाल फ्राई बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 200 ग्राम चना दाल ली है और 50 ग्राम मैंने पीली मूंग दाल ली है। पहले हम एक बाउल में चना दाल डालेंगे और पीली मूंग दाल डालेंगे और इसको पानी डालकर 3 से 4 बार अच्छे से धो लेंगे, वॉश कर लेंगे और इसको आधा घंटे के लिए भिगोकर रख देंगे। आधा घंटा हो गया है, ये हमारी चना दाल फूलकर रेडी है। अब हम इसको पकाएंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे कुकर लिया है। कुकर में हम चना दाल और मूंग दाल जो हमने भिगाई थी उसको डालेंगे और उसके बाद इसमें हम 1 से 2 ग्लास पानी डालेंगे, या फिर हमें उतना पानी डालना है कि हमारी दाल के ऊपर तक आ जाए, पानी भीग जाए। और उसके बाद इसमें हम डालेंगे नमक और थोड़ा सा हल्दी और इसको अच्छे से मिक्स करके हम 2 सीटी लगा के 5 मिनट के लिए इसको कम आँच पे रखेंगे। वहाँ हमारा कुकर में दाल बन रही है, तब तक यहाँ हम देख लेते हैं कि मैंने क्या लिया है। यहाँ पे मैंने टमाटर प्यूरी ली है, उसके साथ मैंने यहाँ पे अदरक और लहसुन का पेस्ट ले लिया है और मैंने रिफाइन ऑयल लिया है और प्याज कटी हुई मैंने यहाँ पे ले ली है और उसके साथ मैंने यहाँ पे जीरा लिया है, लहसुन और मिर्ची काट के ले लिया है छोटे टुकड़ों में, हींग लिया है, खड़ी 2 लाल मिर्ची और तेजपत्ता लिया है। उसके बाद यहाँ पे मेरा कुकर में दाल बनकर रेडी है। ये देखिए दाल पक गई है, दाल पूरी पूरी दिख रही है लेकिन हाथ से मैश करने से ये मैश हो रही है। हमको इतना ही उसको पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है हमको दाल को। उसके साथ मैंने यहाँ पे मसालों में नमक, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी और गरम मसाला लिया है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, उसको मीडियम फ्लेम पे रखेंगे और इसमें 3 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल डालेंगे। हम इसको कम आंच पे और कम तेल में ही बनाएंगे और इसके बाद इसमें हम पहले सूखे मसाले डालेंगे। पहले हम खड़ी लाल मिर्चें और तेजपत्ता डालेंगे, उसके बाद इसमें हम जीरा डालेंगे। जीरा को थोड़ा सा तड़कने देंगे पहले। जीरा थोड़ा सा हमारा तड़क जाएगा, उसके बाद इसमें हम हरी मिर्चें और लहसुन के टुकड़े डालेंगे और इसको भी थोड़ा सा हम भून लेंगे इसके साथ। थोड़ा सा भूनने से इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। इसमें हींग डालेंगे, ये मैंने आधा चम्मच हींग ली थी। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मिलाएंगे और अच्छे से इसको मसालों के साथ भून लेंगे। यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से भून लिया है। हमारे लहसुन थोड़े से पक गए हैं, अब इस स्टेज पर हम प्याज डालेंगे। प्याज को भी तेल में अच्छे से भून लेंगे। प्याज को थोड़ा सा हम ब्राउन करने के बाद ही आगे के मसाले डालेंगे। इसको थोड़ा सा हम ब्राउन करेंगे, थोड़ा तेज आंच करके हम इसको अच्छे से पका लेंगे। प्याज हमारी पकने आई है, देखिए थोड़ी सी गल गई है अच्छे से। अब यहाँ पे हम हमारा लहसुन और अदरक का पेस्ट जो बनाया था 2 चम्मच हम डालेंगे और इसको भी अच्छे से प्याज के साथ भून लेंगे। इसके बाद इसमें टमाटर प्यूरी डालेंगे, इन सबको भूनते जाएंगे और मिलाते जाएंगे। इसके बाद हम नमक डालेंगे, एज पर टेस्ट हम नमक डालेंगे और उसके बाद इसमें मिर्च पाउडर डालेंगे, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको डाल सकते हैं। इसमें धनिया पाउडर डालेंगे 2 चम्मच, हल्दी पाउडर डालेंगे 1/2 चम्मच,
और गरम मसाला पाउडर आधा चम्मच डालेंगे और इन सबको अच्छे से भून लेंगे मसालों के साथ। भूनने में थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन अच्छे से भूनना चाहिए मसाला। तेल हमको अलग दिखना चाहिए, उतना हमको भूनना है। ये हमारे मसालों में से तेल अलग दिख रहा है। मसाला अच्छा भूनने से स्वाद अच्छा आता है। ये हमारा मसाला भुन गया है। अब हम हमारी जो दाल थी वो हम इसमें डालेंगे और आंच को कम कर देंगे। ये हमारा चना दाल फ्राई बनकर रेडी है। देखिए फ्रेंड्स कितना ही यमी लग रहा है। अब इसको एक बाउल में हम निकाल लेंगे और इसको सर्व करेंगे। देखिए फ्रेंड्स ये हमारी दाल फ्राई बनकर रेडी है। अब इसके ऊपर हम घी डालेंगे जो बहुत ही खाने में टेस्टी लगता है और इसको हम सर्व करेंगे। अगर आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय फ्रेंड्स।